प्रतिदिन की भांति महादेव की पूजा में लीन होना। वहीं दूसरी तरफ यक्षपति के सेवक यक्ष का अपनी नव विवाहिता यक्षिणी के प्रेम में आसक्त रहने और अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों से धीरे धीरे विमुख होना प्रारंभ होने लगता है। एक दिन प्रतिदिन की भांति यक्षपति जैसे ही पूजा आरंभ करने के लिए बैठते हैं और वहां अपने विशेष पुष्प न देखकर क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत सैनिक को बुलाकर पुष्पों के संबंध में प्रश्न करते हैं। सैनिक सैनिक जी महाराज, यक्षदेव कहाँ है? आज पूजा के लिए पुष्प क्यों नहीं आए? महाराज, आज तो यक्षदेव पुष्प लाए ही नहीं। नहीं लाए? यह कैसे संभव है? यह तो कभी अपने कर्तव्य समाप्त नहीं होते। जाओ शीघ्र यक्षदेव को बुला कर लाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। यक्ष, आज पूजा के लिए पुष्प क्यों नहीं आए? क्षमा महाराज क्षमा, मुझे स्मरण क्यों नहीं रहा? मैं कैसे भूल गया? मैं अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो गया? यक्षदेव, ऐसी भूल तो तुमसे आज तक नहीं हुई। जाओ शीघ्र पूजा के पुष्प लेकर आओ। जी महाराज। पुष्पों को लेने के लिए गए यक्ष जैसे ही वाटिका में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनकी दृष्टि अपनी प्रतिमा यक्षिणी पर पड़ती है, जिसे देखते ही यक्ष फिर से अपने सुदृत खो बैठते हैं और एक बार फिर से वे दोनों अपने प्रेम में खो जाते हैं। इस तरह यक्ष भूल जाते हैं कि वे किस कार्य हेतु वाटिका में आए थे। यक्षदेव की प्रतीक्षा करते करते यक्षपति क्रोधित हो उठते हैं। सैनिक सैनिक। जी महाराज। यक्षदेव अभी तक क्यों नहीं आए? महाराज, वे तो अपनी पत्नी के साथ वाटिका में हैं। वाटिका में? पुनः आदेश मानो मैं। जाओ यक्षदेव को बुला कर लाओ। जी महाराज। शमृतमयं कालकालं कराळं छं छं छं
भवेयं दहद दहनम भक्त संदीप्यमानम हम 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 कारनादम प्रकटित गहनम कच्चिदै भूमि कंपम बादलीलं भनमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं हम 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 नेत्ररूपं शिरमंत जटा बंध बंधाग्रह हम 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 कारनादं विजस गटलतं हाम गर्वापहारं भुं 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 भूतनादं भनमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं सैनिक द्वारा महाराज का संदेश सुनते ही यक्षदेव शिव भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महाराज। यक्षदेव, तो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए हो कि अपने कर्तव्य से मुंह धोते जा रहे हो, यह कदापि उचित नहीं। मैं तुम्हें शीघ्र पालन किया जाए। जी महाराज। यक्ष और यक्षी एक दूसरे के बिना एक दूसरे के प्रेम में व्याकुल अपना अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। के पर्वतों पर यक्ष द्वारा व्याकुल हो अपना समय व्यतीत करने और सोचने कि किसी भी तरह वे अपना कोई संदेश अपनी प्रियतमा पत्नी तक पहुंचा सके, परंतु उस निर्जन वीरान पर्वत पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह परेशान होता है, अत्यंत व्याकुल होता है कि किस प्रकार वह कोई भी संदेश अपनी पत्नी तक पहुंचा पाए। और तभी वहां निर्णय के पर्वतों के मस्तिष्क में एक विचार जन्म लेता है कि क्यों ना इस मेघ को ही दूत बनाया जाए। लेकिन कैसे वे कह सकता है कि हे मेघ, तुम मेरा संदेश मेरी प्रियतमा तक पहुंचा दे। फिर वह मेघ से उसकी प्रशंसा करता है। मेघ खुश होकर यक्ष से पूछता है कि तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रहे हो। तब यक्ष उसे अपनी पूरी व्यथा बताता है कि वह और उसकी पत्नी श्राप के कारण एक दूसरे से अलग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो मेघ कहता है, परेशान न हो यक्षदेव, मैं आपका संदेश आपकी प्रियतमा तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और फिर यक्ष मेघ को अपना संदेश देता है, जिसे लेकर मेघ अलका करी जाता है। जहां अलकापुरी में लक्ष्मी विरह से व्याकुल दुखी उदास बैठी थी, और जैसे ही वह मेघ की आवाज सुनती है, उलट कर देखती है
खैर जब मेघ उसे यक्ष का संदेश देता है, जिसे सुनकर जिसे पाकर वह अत्यंत प्रसन्न होती है और नाचने लगती है। उसके प्रत्युत्तर में वह भी अपना संदेश मेघ द्वारा यक्ष तक पहुंचाती है और इस प्रकार मेघ को दूत बनाकर दोनों अपना संदेश एक दूसरे तक एक वर्ष तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे की व्यथा को कम करते हैं। एक वर्ष पूर्ण होता है, लक्ष्मी के कक्ष में उसकी सखी का प्रवेश। हे देवी, आपके विरह का एक वर्ष समाप्त होता है, अब शीघ्र ही आपका मिलन यक्ष देव से होगा। यह सुनकर लक्ष्मी खुशी से प्रसन्न होती है और झूमने लगती है, नाचने लगती है। तभी यक्ष देव का यक्षिणी के कक्ष में प्रवेश होता है और जैसे ही यक्ष और यक्षिणी की दृष्टि एक दूसरे से मिलती है, वे भाव विवल हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, इसलिए कि अश्रु उनकी आंखों से झरने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से एक वर्ष पश्चात गले मिलते हैं, खुश होते हैं। यक्ष और यक्षिणी को अपने कर्तव्यों का भान होता है, वे दोनों यक्षपति के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और साथ ही आशीर्वाद भी लेते हैं। इस प्रकार महान कवि कालिदास के इस मेघदूतम काव्य का सुखद अंत होता है।